हेलो गाइस, हाउ आर यू? सत श्री अकाल। आपके फेस पे हमेशा स्माइल बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आज कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ। टुडे वी आर मेकिंग हेल्दी एंड टेस्टी सैगो फ्रूट डेजर्ट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हाई फ्लेम पे 400 ml दूध लेके उसको बॉईल कर लीजिए। अब इसमें 1/4 teaspoon कार्डमम पाउडर डालकर मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें 2 teaspoon शुगर डालकर मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें 18 ग्राम्स का एक मिल्क पाउडर आता है सैशे, वो मैंने ऐड किया है, तो उसमें आप वो ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे से स्टर कीजिए ताकि इसमें लम्स ना बने। जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए तो गैस बंद करके इसे दूसरे कंटेनर में डाल के पहले इसे ठंडा कीजिए और फिर 1 घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। मीनवाइल एक पैन में 3 cups वाटर बॉयल करने रख दीजिए। बॉयल आने के बाद इसमें 1/4 cup साबूदाना या सैगो पर्ल्स डाल दीजिए और इसे स्टर करते रहिए तब तक जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब आप 1/2 cup पानी में 2 teaspoon बेसिल सीड्स, जिसे कि आप सब्जा भी बोलते हैं, वो भिगो दीजिए। 10-12 मिनट के बाद अब हमारे सैगो पर्ल्स रेडी हो चुके हैं, ये ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब इनको स्ट्रेन करेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। बेसिल सीड्स भीग चुके हैं, ये रेडी हो गए हैं। अब आप एक बाउल लेके उसमें वो ठंडा वाला दूध उसमें ट्रांसफर कर दीजिए और उसमें 2 चम्मच रोज सिरप डाल दीजिए। इससे आपके डेजर्ट में कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें वो सैगो पर्ल्स डालिए। इसे अच्छे से मिक्स करके बेसिल सीड्स भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें कोई भी सीजनल फ्रूट, जैसे मेरे पास तो लीची, मैंगो, बनाना, चेरी, एप्पल, प्लम, ये थे मैंने डाल दिए। आपके पास कोई भी सीजनल फ्रूट्स हैं, आप कोई भी आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं अपने चॉइस के। फ्रूट मिक्स करने के बाद अब आप इसमें कोई भी आपकी चॉइस का ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर दीजिए। ये देखिए हमारा हेल्दी एंड टेस्टी सैगो फ्रूट डेजर्ट तैयार है। नाउ इट्स रेडी टू सर्व, एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।